अगर वहाँ पे हाथ पैर धोया जाता था और वहाँ पे सिबलिंग मिला है तो आपको तो खुद पे शर्म आनी चाहिए कि आप इतना घटिया काम करते थे, इतने दिन हो गए लेकिन कभी नहीं देखा होगा। अरे फिर भी छोड़ो यार, हम लोग तो इतना भी करते हैं, कभी भी किसी मज़ार पे हम लोग ने ऐसे घटिया काम नहीं करे हैं जो कि आपने कहा। आज अगर आप कोर्ट का दरवाज़ा ठकठका रहे हो ना, ये ओवैसी वही है जो ये कहता है कि हमारे देश में संविधान की हत्या की जा रही है। संविधान की हत्या आप कर रहे हैं, आपके भाई कर रहे हैं, आपके जैसे लोग कर रहे हैं, आपके चेला चपाटी आपके चमचे कर रहे हैं हमारे संविधान का हत्या। कोर्ट का दरवाजा क्यों? आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है क्या? उनके फैसलों पे भरोसा नहीं है क्या? काहे का लॉ पढ़े हैं आप? जब भरोसा ही नहीं है तो हम ये नहीं खोएंगे, हम वो मस्जिद नहीं खोएंगे। क्या करना है इन सब चीजों का? क्या चीज करते हैं आप? ऐसे घटिया घटिया बयान दे देते हैं और कहते हैं कि आप नेता हैं। घंटा नहीं नेता हैं आप। एक एक करके राम मंदिर हो या बाबरी मस्जिद हो या जामा मस्जिद हो या फिर ताजमहल हो, सब पे एक एक करके फैसला होगा और आराम से होगा। जब राम मंदिर का साक्ष्य मिला था तो ये कह रहे थे कि वहाँ कोई राम मंदिर नहीं थी, वहाँ तो हमारे पैगंबर थे। भाई ऐसा थोड़ी होता है। ये राम वहाँ पे हमारा फवारा था तो ये था क्या? इस चीज़ का फवारा? आपका तो वहाँ पे कोई वजूद ही नहीं था। आपका तो इस देश में, आपका तो इस दुनिया में कोई वजूद नहीं है। जो है हमारी वजह से है। हमारे देश में कुछ नाम नहीं ले सकते हैं, गाली नहीं दे सकते हैं, समझ जाइए। वो लोग की वजह से इस देश में वो लोग टिके हुए हैं अभी भी, और पहले भी जब इस देश में आए ना तो उसी की वजह से। आज आप जिसे फवारा का नाम दे रहे हो ना, बोलने वक्त भी शर्म आनी चाहिए। हमारा शिवलिंग है, था और वही रहेगा, शिवलिंग ही है। नंदी जी की इंतज़ार ख़त्म हुई भाई। उनको पता था कि हमारे कहाँ है भगवान, हमारे अस्तित्व कहाँ है। वो इंतज़ार कर रहे थे, आज इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुई। ये कंफर्म हो गई कि वहाँ शिवलिंग था, बस बात ख़त्म है। अब आप कुछ भी बोलो, आपकी बात को ऐसे भी सुना नहीं जाएगा। जिस जगह, जिस तालाब से जो शिवलिंग मिली है, तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि वहाँ पे नमाज से पहले हाथ मुँह धोए जाते थे, पैर धोए जाते थे, थूका जाता था, तो उसको आप किस तरीके से देख? बहुत घिनास्टिक तरीके से, क्योंकि उनका तो यही धर्म ही है ना। हम सनातनी हैं, हम हैं गाय को रोटी खिलाने वाले, वो है गाय के साथ रोटी खाने वाले। हम में तो जमीन और आसमान का फर्क है ना, आप तो खुद देख लीजिए। तो हम इसे बहुत ही घिनास्टिक नज़रिए से देखते हैं। जो चीज़ ये लोग पृथ्वीराज चौहान की अस्थि पे भी करते थे, उन पे जूता मारते थे, उसके बाद अंदर जाते थे, तो उस वक्त भी उन्होंने यही चीज़ करा था। उनका काम ही यही है, हमारे धर्म को किसी भी तरह से ठेस पहुँचाना या लफ्ज़ याद करवाना या फिर उसे इस्लाम धर्म कबूल करवाने पे मजबूर करना। इनका तो यही काम है। ये अगर कर दिए तो शायद इनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं रही होगी, लेकिन हमारे लिए है। इनकी माफ़ी नहीं मिल सकती है। ओवैसी के छोटे भाई जो हैं वो औरंगजेब की कब्र पे जाके फूल और चादर चढ़ा रहे हैं, उसी औरंगजेब की पे जिसने हमारे हिंदुओं के मंदिर तोड़े। औरंगजेब वही है जो एक दिन में 2.5 लाख जनऊ जब तक ना जला ले उसकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलता था। ये वही औरंगजेब है। आप इसकी मज़ार पे चादर चढ़ाने जाते हैं, धिक्कार है ऐसे लोगों पे। आप अपने आप को देशवासी कहते हो, शर्म नहीं आती आपको? जो इस देश के हिंदुओं, जो जिनका ये देश है, सनातनियों का देश है, आप उनके आस्था के साथ खिलवाड़ किए हो हमेशा से, आप उनके मज़ार पे चादर चढ़ाने जाते हो। काहे का नेता हैं आप जी? मर जाने चाहिए ऐसे नेता को। आपके भाई, आप लोगों ने ना जाने कितनी सारी डिग्रियां लेके रखी है। मुझे तो अभी भी ऐसा लग रहा है उन्होंने फालतू की फोकस गारी करने के लिए डिग्रियां ले रखी है। अस्तित्व में उनका ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही वो उनका कोई वजूद है। आप कुछ भी कह ले मान लिया जाएगा। आपको, आप जाते कभी मज़ार पे चादर चढ़ाने, कभी पैगंबर पे, तो कभी औरंगजेब, कभी बाबर, आप किसी भी एक भी मुसलमान का नाम लीजिए और कहिए कि जब उसके मज़ार पर चादर चढ़ाने के लिए जाया जाता है और कहिए कि वो एकदम सच है। हम लोग शिवलिंग पे दूध चढ़ाते हैं, उसका भी इतिहास आप एक बार जरूर पढ़िएगा, उसके बारे में पढ़िएगा। राम जी का, भगवान का, अपनी किसी भी देवी देवता का पूजा करते हैं, उसका रीज़न क्या है आप एक बार जरूर समझिएगा। और आप जिस तरह से मज़ार पर चादर चढ़ाने जाते हैं उसका रीज़न क्या है वो भी जानिएगा। जितने देश में जितने भी मुसलमान हैं जिस पे मज़ार पे चादर चढ़ाने जाते हैं वो सब गलत है, और आप तो इतने बड़े नेता हो कि ऐसे गलत काम कर रहे हैं, आपसे क्या उम्मीद कर सकते हैं जी? तो हिंदुस्तान में जो मुसलमान रह रहे हैं उनका औरंगजेब, बाबर, हुमायूं, अकबर, इनसे क्या संबंध है? उन्हीं के तो पैदाइश है, अब तो उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, हमारी बाबरी मस्जिद, हम अपनी बाबरी मस्जिद खो गए हैं, अब ये नहीं खोना चाहेंगे। मतलब आप एक्सेप्ट तो करिए एक बार मीडिया के सामने आके कि हमारे पैगंबर, हमारे बाबर, अकबर, जहांगीर, जो भी हैं, सब हमारे पूर्वज थे, सब अम्मी जान और चाची जान के रिश्तेदार थे। ऐसा कुछ एक्सेप्ट करिए तो फिर बात चलेगी। आप जो हर वक्त ये साबित करना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज रहे हैं, हम इनके हक में फैसला लेना है, हम ये नहीं खोएंगे, हम वो मस्जिद नहीं खोएंगे, क्या करना है इन सब चीज़ों का? क्या चीज़ करते हैं आप? ऐसे घटिया घटिया बयान दे देते हैं और कहते हैं कि आप नेता हैं। घंटा नहीं नेता हैं आप। तो जो
बात आई सामने आज ज्ञान वापी का जो मामला सुनवाई हुई वाराणसी कोर्ट में, लेकिन उससे पहले जो मुसलमान पक्ष था वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने कि जो सील की बात की जा रही है, यहाँ पे जो थूकना और जो हाथ पैर धोने की बात कही जा रही है, सिबलिंग निकली तो वहाँ पे सील करने की जो बात सामने आई थी तो उसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। सर अभी कहा जा रहा है कि हमें अपनी राजनीतिक माहौल को ख़राब नहीं करनी चाहिए, वैसे ये कह रहे हैं कि बीजेपी हिंदू मुसलमान के नाम पर हमारा राजनीतिक माहौल ख़राब कर रही है, इस देश का माहौल ख़राब कर रही है, इस देश के भावनाओं को ठेस पहुँचा रही है। आप क्या कर रहे हैं? आप अगर वहाँ पे हाथ पैर धोया जाता था और वहाँ पे सिबलिंग मिला है तो आपको तो खुद पे शर्म आनी चाहिए कि आप इतना घटिया काम करते थे। इतने दिन हो गए लेकिन कभी नहीं देखा होगा, अरे फिर भी छोड़ो यार, हम लोग तो इतना भी करते हैं, कभी भी किसी मज़ार पे हम लोग ने ऐसे घटिया काम नहीं करे हैं जो कि आपने कहा। आज अगर आप कोर्ट का दरवाज़ा ठकठका रहे हो ना, ये ओवैसी वही है जो ये कहता है कि हमारे देश में संविधान की हत्या की जा रही है। संविधान की हत्या आप कर रहे हैं, आपके भाई कर रहे हैं, आपके जैसे लोग कर रहे हैं, आपके चेला चपाटी आपके चमचे कर रहे हैं हमारे संविधान का हत्या। कोर्ट का दरवाजा क्यों? आपको कोर्ट पे भरोसा नहीं है क्या? उनके फैसलों पे भरोसा नहीं है क्या? काहे का लॉ पढ़े हैं आप जब भरोसा ही नहीं है तो? ओवैसी साहब एक ने एक शब्द और कहे, एक बात बोली उन्होंने कि मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी, क्योंकि हमने एक मस्जिद खो दी है, दूसरी मस्जिद नहीं खोएंगे। अब इस हिसाब से हमारा एक बयान है, सनातनी थे, सनातनी है, सनातनी रहेंगे, ठीक है? एक्सेप्ट करो, बताओ एक्सेप्ट करो, आप एक काम करो, हिंदू धर्म को स्वीकार करो। आप अभी ये बयान दे रहे हो ना, मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। बाबरी मस्जिद के समय में भी तो आपने यही कहा था ना कि नहीं, हम वो मस्जिद नहीं दे सकते हैं, वो मस्जिद हमारी है, हमारे बाबर की है। आपने उस वक्त तो ये चीज़ कह दिया था, आज फिर से ये कह रहे हो। मंदिर तो भाई वहाँ बनेगी जो हमारी मंदिर है, अभी तो हम खुद देख के आए हैं हमारी काशी की मंदिर को, मंदिर तो वहाँ बनेगी, लेकिन हर बार का जो ये बयान है ना, थी है रहेगी। तो सबसे पहला आप मस्जिद छोड़ दीजिए, इस्लाम ना था ना है ना रहना चाहिए, और सनातनी है, थे और रहेंगे। 30,000 मंदिरों का मामला भी सामने आ रहा है ज्ञान वापी के बाद, 30,000 पहले अयोध्या, फिर ज्ञान वापी, उसके बाद का मथुरा, और उसके बाद 30,000 मंदिरों का और सामने आ रहा है कि वहाँ पे मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, तो क्या इस पर आप क्या कहेंगे? जी बस अब यही कहना चाहेंगे कि इंतज़ार करिए, आपने बहुत कुछ बोल लिया, अब सुनने की क्षमता रखिए, अब आप सिर्फ सुनिए और आप देखिए कि आगे आगे क्या होता है। हम लोग ना अगर चाहें तो एक बार में ये फैसला कर सकते हैं, एक बार में ये देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है, लेकिन नहीं, हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि हमारी ऐसी सरकार है जो एजुकेशन के मामलों में भी और इस देश को चलाना कैसे इस मामले में भी अति उत्तम है, इस वजह से आज हमारा देश बचा हुआ है, और वो सही समय पर सही फैसला करेगी। एक एक करके राम मंदिर हो या बाबरी मस्जिद हो या जामा मस्जिद हो या फिर ताजमहल हो, सब पे एक एक करके फैसला होगा और आराम से होगा। ताजमहल की आपने बात की, तो ताजमहल को कहा जाता है कि प्यार की निशानी है, प्यार की निशानी के लिए उसको बनाया गया था, तो उसको कैसे खोएंगे ओवैसी साहब? अच्छा ऐसा बताइएगा ना हमको जरा, नहीं ऐसे कौन से मर्द की एकदम दिलचस्पी रहती है, 14 बीवी 97 बच्चा और उसको प्यार की निशानी दे रहे हैं? अगर आपका प्यार होता तो एक के बाद ना आपका नजर कहीं नहीं उठता। आप बात करते हो उसे प्यार की निशानी, प्यार का निशानी हमारा राम सेतु, जाओ देख के आओ, वो है प्यार का निशानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने अपनी सीता को खोजते हुए वो बनाया था, राम सेतु निशानी वो है हमारे लिए, ना कि ये ताजमहल जहाँ पे मरने के बाद कब्र बना दिया गया, ये ले मुमताज ये तेरी, मतलब ऐसी मुमताज भाई हमको ये बताइए, उनके लिए उतनी जगह काफी थी, वो ताजमहल क्यों दिए उनको? इतनी जगह जब काफी थी, ताजमहल क्यों दिए? वो भी मरने के बाद आप उसको प्यार की निशानी कहते हैं? ऐसा कौन सा प्यार भाई, 14 बीवी कर लिया आपने, 97 बच्चे कर लिए, आप उसे प्यार की निशानी बोल रहे? हट। तो आपको क्या लगता है कि अगर कोर्ट का फैसला जो है अगर हिंदुओं के पक्ष में आता है तो क्या जो मुसलमान पक्ष है वो हिंदुओं का समर्थन करेगा? अपना जो भाईचारे का कहा जाता है कि हिंदू मुसलमान भाई भाई, तो क्या भाईचारे का संदेश देंगे ये लोग? आज तक मुसलमानों ने भाईचारा निभाया है क्या? भाईचारा निभाने का ठीका तो सिर्फ हिंदुओं ने ले रखा है और आज तक निभा रही है। अभी तो कुछ टाइम पहले एक लड़के ने ओम पहना था उसने गले में, उसने मेरा विरोध की, जो गलती उन मुसलमानों ने की है ना दीदी, वो गलती आप मत करो, मतलब कि आप कट जाओ दीदी, लेकिन आप हथियार मत उठाओ। हमारे शास्त्र में भी लिखा है, अपने धर्म के लिए, स्त्री बचाओ के लिए, गौ रक्षा के लिए हथियार उठाना आपका कर्तव्य, हम अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और हमेशा करेंगे, आपके कहने से कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ ये सच्चाई है, अब कुछ नहीं होने वाला, जो उखाड़ना था इन्होंने उखाड़ लिया, जिसे आप प्यार की निशानी कह रहे हो, प्यार की नहीं अय्याशी की निशानी है। तो आखिरी सवाल मेरा ये है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप ओवैसी साहब को और जो हिंदुओं के मंदिर के जो बात सामने आ रही है उसके विरोध में खड़े हो रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे?
जी जी जी, क्या उन लोग वो लोग विरोध में खड़े? सर एक बात बताइए ना, मुसलमानों मुसलमान मुसलमान हमारे किस फैसले में हमारा समर्थन किए हैं? आप अभी धार्मिक मुद्दा हटा दीजिए, आप अभी धार्मिक मुद्दे को हटा दीजिए, आप सिर्फ लीजिए ना कि हमारे देश में कानून लाने के बाद जब सी ए एन आर सी या कोई भी हो मुद्दा जिसमें इसने हमारी सरकार को समर्थन किया हो, मुसलमानों ने हमारा कभी समर्थन किया ही नहीं। भाईचारा सिर्फ हम हिंदुओं ने निभाया है और हम हिंदू ही सिर्फ काटे गए हैं। मुसलमानों ने हमेशा एक ही काम किया, गद्दारी, पीठ में छुरे भोंकने का काम किया है, उसके अलावा उसने कभी कुछ नहीं किया। अगर ये कुछ अच्छे मुसलमान होते हैं तो कहाँ रहते ये अच्छे मुसलमान जब हमारे घर में घुस के हमें बेरहमी से मार दिया जाता है? आज हम ये जिंदा है ये चीज कह ले रहे हैं, कहाँ रहते हैं ये सारे अच्छे मुसलमान? उस समय क्यों नहीं निभाते ये भाईचारा? उस समय उनको बुरा लगता है, आज रामनवमी में कुछ लोग टोपी पहन के थार लेके आए हुए हैं, भाई हम भाईचारा निभा रहे हैं, आज हमारा हुजूम देख के डर गई क्या, फट गई क्या हमारा हुजूम देख के? माफ करिएगा, आपका ये बयान देना भी अब हमें चुभने लगा। अगर आप भाईजान कहते हो ना तो ऐसा लग रहा है कि आप पीछे से खंजर भोंकने वाले हो। ये चीज़ हमेशा याद रखना।